सीरियल साथ निभाना साथिया में रिकी ने तो सीता को किडनैप करने का प्लान बना ही लिया है, क्योंकि उसे पता है कि पूरा मोदी हाउस उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए अगर वो उसे किडनैप कर लेगा तो उसकी सारी फरमाइशें पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही उसे ये भी पता है कि सीता कितनी भोली है, वो तुरंत किसी की भी बातों में आ जाती है, इसलिए वो भोला बनने का नाटक करेगा जिसके चंगुल में सीता फंस जाएगी। इसलिए फिर वो आसानी से सीता को अपनी बातों में फंसाकर उसको किडनैप कर लेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद वो गोपी और जग्गी को इस बात के लिए ब्लैकमेल करेगा कि अगर उन्हें सीता चाहिए तो उसे उसका पासपोर्ट लौटा दे, ताकि वो उन सब से दूर चला जाए। ना तो वो किसी को परेशान करेगा और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाएगा। अब गोपी, कोकिला और जग्गी के लिए ये सोचने वाली बात है कि जिस रमाकांत यानी रिकी को सुधारने के लिए गोपी और जग्गी सिंगापुर से यहाँ लेकर आए थे, वो ऐसे ही उन्हें छोड़कर चला जाएगा। क्या उनका सपना अपने बेटे को पाने का अधूरा ही रह जाएगा, या फिर जग्गी भिड़ाएगा कोई ऐसी तिकड़म जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी कि रिकी भी वापस आ जाएगा और सीता की भी जान बच जाएगी। तो ये देखना काफी मजेदार रहेगा। टीवी दुनिया से जुड़ी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से प्रयाग की रिपोर्ट।